अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इमरान पांडे वाला जी। आप मेरे देख सकते हैं, दिखाएं यार, अभी को दिखाएं, फ्री है, कोई पैसे तो नहीं लग रहे ना। ये हम मौजूद हैं पाकिस्तान के जो ना वो सूबा पंजाब के साउथ पंजाब में, मेरे ख्याल में ये एक सहराई सिलसिला है जो कि तकरीबन कुछ सैकड़ों किलोमीटर पर जो है ये मुश्तमिल है। और जो ज़्यादा तौर पर यहाँ पर जो चीज़ काश्त की जाती है वो है चना। आप शहर में बैठ के खाते होंगे, नहीं पता कैसे बनता है, कैसे काश्त किया जाता है, कब निकाला जाता है, उसका जो है ना वो चना बनने में कितना टाइम लगता है, फसल को पानी देना पड़ता है। मैं चने की रेसिपी नहीं बता रहा आपको, बता रहा हूँ कि कितनी मेहनत जो है ना वो काश्तकार करते हैं, किसान करते हैं, देन हम इस चीज़ को खा पाते हैं। बहरहाल मैं आज जो है ना, जैसे कि आपने पहले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने यहाँ पर कुछ शूट किया दोस्तों के साथ, काफ़ी स्पेंड किया टाइम, बड़ा अच्छा लगा। सीरियसली जब हम नेचर को फील करते हैं ना, फिर शहर सच पूछो जितना भी लग्जरी ज़िंदगी हो, चाहे आप बुर्ज खलीफे में बैठकर भी कुछ खा रहे हो, आपको वो भूल जाएगा। ये एक हकीकी बात है। कभी आपका चक्कर किसी ऐसे सिलसिले में लगे तो आप देखें, जरा महसूस करें, बिल्कुल पुरसकून माहौल, कोई शोर शराबा नहीं है। मैं लाइक उसकी बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी का नाम निशान है मेरा मोबाइल और मेरी बाइक, उसके अलावा एवरी थिंग नेचर का बनाया हुआ है, खुदा की कुदरत का बनाया हुआ है, किसी का इसमें कोई आप देखिए यहाँ पे आप पीले आपको नज़र आ रहे होंगे जो अपने एक मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने फसल काश की है चने की, लेकिन रेत के अलावा कुछ नहीं है। असल में अगर हम देखें तो सब कुछ खाक हो जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन रहना क्या है जो आपने अच्छाई की हो। बहरहाल मैं कोई जो है इस्लामिक लेक्चर भी नहीं देने आया, कहने का मकसद ये है कि नेचुरल ब्यूटी को अगर आप जो है ना वो फील करें तो आपको बड़ा पुरसकून फील होता है। मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त मौजूद हैं, मैं वन बाय वन उनको बुलाऊंगा, उनके तासरात जानूंगा कि उनको यहाँ आकर कैसा लगा, वो कैसा फील कर रहे हैं और मेरे साथ कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि वो यहीं से बिलोंग करते हैं, यहीं पर रहते हैं। और आपको पता है इमरान पांडे वाला आपकी खिदमत में इस्लामाबाद होता है। तो मैं मेरे प्यारे भाई ये खान साहब मौजूद है, खान साहब तशरीफ लाए, ताली बजा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, बैठे जनाब तशरीफ रखिए। ये मेरे प्यारे भाई हैं और मेरे बचपन के मेरे दोस्त हैं, माशाल्लाह हमारे जो है ना मतलब हेलो है, काफ़ी दिनों से है, काफ़ी सालों से है। तो इनके साथ एक्चुअली मैंने एक दो दोस्तों को यहाँ पे बुलाया था, एक कज़न को बेटे को बुलाया था, आवान भाई सभी से आपको मिलवाएंगे। तो सीरियसली यहाँ पे आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं यकीन माने मेरा दिल जो है ना बिल्कुल पुरसकून है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई गाड़ी का शोर नहीं है। और दूसरी को बड़ी बात है, जिन इंसानों से लोग तंग आ जाते हैं, कोई इंसान नहीं है हमारे अलावा, सीरियसली। तो क्या क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस तरह की सिचुएशन, तन्हाई, सुनसान एरिया, तेज हवाएं, अभी तो ठीक है को माशाल्लाह से धूप भी निकली हुई है, पहले यहाँ पे बड़ी सर्दी थी, कुछ बताएं हमें। भाई हम तो इधर ही रहते हैं, तो इधर ही घर है, जी तो आप जैसे लोग जब शहर से आते हैं तो उनको कैसा फील होता है उनको बताने की जरूरत है। हम तो इधर रहते हैं 24 घंटे, इधर ही हमारा घर है, इधर ही हमारा गांव है, सब कुछ हमारा घर है। जी बिल्कुल, मतलब हम कोई घंटों बाद किसी एक दो घंटे के बाद किसी बाइक वाले को देखते हैं, जैसे कि अभी एक गुजरा, तो घंटों बाद किसी इंसान का दीदार होता है। यानी अगर आप तन्हाई चाहते हैं, इंसानों से जी उठ चुका है, आप सहरा को अपना नशीमन बना सकते हैं, सहरा को अपना आप जो घर बना सकते हैं और एक पीसफुल लाइफ। और यहाँ पे मजे की बात ये है कि यहाँ पे सब कुछ जो है ना वो सस्ता है, आप लो प्राइस में यहाँ से ज़मीन खरीद सकते हैं, यहाँ पे घर बना सकते हैं, लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आप बिजली का नहीं सोच सकते, गैस का नहीं सोच सकते, पानी का नहीं सोच सकते, उसके लिए आपको बड़ा कुआं खुदवाना पड़ेगा, देन आप कुछ पी सकते हैं पानी। तो ये चीज़ें कुछ हैं, मतलब सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि मुझे इतना सुकून यहाँ पे फील हो रहा है जो है ना, सीरियसली बड़ा मज़ा आ रहा है, कमाल की जो है ना वो माशाल्लाह मोमेंट्स है। और ये मेरे चैनल पर हमेशा महफूज रहेंगी, आप देखेंगे कभी आपको विजिट करे कोई इस तरह का सहरा, आपको कोई मुमकिन हो, कोई इस तरह की कोई अवेलेबिलिटी बने, इमरान पांडे वाले को ज़रूर याद रखिएगा। ये व्लॉग अच्छे लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारी दुआएं दीजिएगा अपने प्यारे भाई को। बाकी भाई बहन जो प्यार दे रहे हैं उनका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, जज़ाकअल्लाह। इंशाल्लाह हमारे साथ एक और मेरे भाई मौजूद हैं, आए जनाब, आपने काफ़ी हमें इंतज़ार करवाया, इनके लिए हमने काफ़ी इंतज़ार किया सीरियसली। ये जनाब इनका शायद नहीं, जनाब
असल में इन्होंने कॉल की थी मुझे कि हम रोड पे बैठे होंगे, रोड पे बैठे हैं जनाब, रोड पे मैंने दिखाएं भाई रोड पे है कि नहीं, देखने वाले क्या कह रहे हैं रोड पे बैठे हैं भैया। ये जो सहराई इलाका था ना असल में वो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर पहले स्टार्ट हो चुका था, और आप ये कहें कि आपको डर लग रहा था कोई बंदा नजर नहीं आया, और सीरियसली मुझे डर लगने लग गया था क्योंकि सुनसान इलाका है, देख ले पुरसकून माहौल है, मैंने कहा यहाँ तो किसी ने मेरी मतलब कुछ भी नहीं सुनना, अगर कोई मेरे से बाइक भी छीन ले हम तो छोटे दिल, अल्लाह खैर करे यार, अल्लाह इसीलिए थोड़ा सा, लेकिन पहुंच गए देखें जी बिलाकर पहुंच चुके हैं, बड़े अच्छे भाई है माशाल्लाह, और ये स्टडी करते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं, एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई बताने का मेरा इरादा नहीं है, मेहनत करें भैया, अल्लाह आपको बरकत दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी, इनके वीडियो इनके व्लॉग चैनल पे भी आपको ये तमाम सीन्स देखने को मिलेंगे, और मैंने भी एक छोटा सा व्लॉग अपलोड कर दिया है, तो आप भी मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, शाहिद मुख्तार, लेकिन लिंक इन्होंने फिलहाल नहीं लगाना भाई, क्योंकि मेहनत में बरकत है, हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और मेहनत हमारी, हाँ जी मेहनत करें बरकत होंगे इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, काफी सारे मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, एक और मेरे कजन मौजूद है, आ जाए भैया इनसे आपको मिलवाते हैं, इनको मैं स्पेशली लेके भाई तनहा बंदे हैं सुनसान इलाके में, हम कैसे जा सकते हैं, बैठे हैं जनाब कुछ क्या कहेंगे, सुनसान इलाके में बिल्कुल तन्हाई, पुरसकून माहौल, टेक्नोलॉजी नहीं है, दुनिया तक एक तरह का हम देखें तो यहाँ पर इंटरनेट की सर्विस भी अवेलेबल नहीं है, हम दुनिया से डिसकनेक्ट हो चुके हैं, क्या कहेंगे, क्या कहना है, बस बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, मतलब कोई भी यहाँ पे आए तो अच्छा फील करता है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, जज़ाकअल्लाह, कुछ रहे तो अगले व्लॉग तक दीजिए इजाज़त, इमरान पांडे वाले को पाकिस्तान पाइंदाबाद।